डियर स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू गिवन है 5/2। अगर आपको फार्मूला ए प्लस बी की शेप में आता है तो हम लिख देते हैं फार्मूला। वी नो दैट ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी फार्मूले को आपने x और 1 ओवर x की शेप में ले आना है। a की जगह पर आप लिख देंगे x और b की जगह पर आप लिख देंगे 1 ओवर x का क्यूब। इसी तरह इस साइड में भी a की जगह पर लिख देंगे x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब प्लस 3x 1 ओवर x x प्लस 1 ओवर x। तो देखें a प्लस b की शेप में फार्मूला इजीली याद हो जाता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे x प्लस 1 ओवर x की शेप में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x प्लस 1 ओवर x की शेप में। x और x कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5/2। इसका क्यूब कर लेंगे, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब को लिखते आएंगे प्लस 3, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू गिवन है 5/2। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो रिजल्ट आता है 125। 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 8। x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इसको लास्ट तक लिखते आएंगे क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। 3 5s are 15/2। 125/8 अपनी जगह पर आएगा, प्लस 5/2 है, कांस्टेंट है, इसको इस साइड पर ले आएंगे, -15/2। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब को अपनी जगह पर लिख देंगे। 2 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2s are 4, 4 2s are 8, तो हमारा एलसीएम आ रहा है 8। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब को लिखते हैं। 2 वाला टेबल जो है 4 पर 8 पर डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। इसी तरह 8 को 8 पर डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 1, 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ। 125 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं होता। 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 60/8। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब को लिखते हैं। 125 में से 60 को माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाता है रिजल्ट 65/8। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो ये हमारा आंसर है।